माय चैनल जिसका नाम है कीर्ति जहाज किचन। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे। और बताइए क्या चल रहा है। आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो मैं उसकी फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ। तो फेवरेट रेसिपी किसकी है, वो है मटर की, जो कि अब हमको नेक्स्ट विंटर में ही मिलेगी। तो सोचा क्यों ना आज मिस्टर मटर को बहुत ही अच्छे से फेवरेट दें और उसकी मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका नाम है आलू मटर की पूरी। लेट्स स्टार्ट कैसे बनता है। तो देखिए ये है एक कटोरी भर के मटर छिला हुआ है। जैसे मैंने ये 5-6 हरी मिर्ची रखी हुई है, ये लहसुन है, ये अदरक है, हींग है, मटर है तो हींग रहेगा ही, ये है धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, ये है मेथी के कुछ पत्ते थे तो उसको मैंने काट लिया है छौंके में देने के लिए, नमक, जीरा, ये है आलू, ये है गरम मसाला, ये है आटा और ये है रिफाइंड। तो सबसे पहले हम जो पूरी में स्टफिंग करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है और ये बढ़िया से गर्म हो जाना चाहिए। तो ये गर्म हो गया, मैंने 3-4 मिनट पहले ही चढ़ा दी थी, देखिए गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये रिफाइंड डालेंगे 2-3 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 2-3 चम्मच डालना है। उसके बाद ये जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब, हींग देंगे, हींग अच्छे से देना होगा क्योंकि मटर जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है। अब इसको बढ़िया से जीरे को तड़कने देंगे और पूरा ऐसे लगा देंगे ताकि कढ़ाई में चिपके ना। और इस समय की जो मटर है वो हल्की सी हार्ड हो जाती है, ये ध्यान देना है कि अच्छे से मटर हमारी मुलायम हो जानी चाहिए। तो ये देखिए जीरा हमारा ये लाल हो गया है बढ़िया से। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मैंने अदरक कूट के रखा हुआ है उसको डाल देंगे, ये जो लहसुन है उसको डाल देंगे, ये तकरीबन 11-12 कलियां है लहसुन की वो डाल देंगे, और ये जो मैंने हरी मिर्च रखी हुई है उसको तोड़ के ऐसे डाल देंगे। ये बढ़िया से लहसुन लाल होना चाहिए, इसको लाल होने देंगे। जो मेथी है हल्का सा इसको 3-4 मिनट पहले बढ़िया से भून लेंगे। इसमें अब हम नमक देंगे, कम पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, यदि इसमें आलू भी चढ़ेंगे और मटर के हिसाब से नमक पहले हम डाल देंगे। देखिए इतना बढ़िया कलर है, खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आ रही है। टिक मैंने डाले थी, बहुत सारे लोगों ने भी सजेस्ट किया था मैम इसको डाल दीजिए, मुझे भी लगा अभी राइट टाइम में आपने हमारे मिस्टर मटर जो अभी गायब होंगे वो हमको नवंबर दिसंबर में ही मिलेंगे। सोचा चलिए अच्छे से फेयरवेल दे दें इनको, बढ़िया से आलू मटर की पूरी बना के। अब हम इसमें ये गरम मसाला मिला देंगे, जो लोग थोड़ा सा तेज खाते हैं वो गरम मसाला थोड़ा ज्यादा डालेंगे, 2-3 चम्मच अपने हिसाब से मैंने ये डाल दिया है। तो
अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मटर अब थोड़े से हल्के सख्त हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के, देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको कम आंच पे छोड़ देंगे मुलायम होने के लिए। और जब तक ये मुलायम होंगे तब तक हम अपने उबले हुए आलू को घिस लेंगे। देखिए मैंने ढक, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारे मटर का क्या हाल है। ये देखिए मटर गल गए हैं, अब हम इसका फटाक से पानी सुखा के बढ़िया से भून लेंगे और इसको फिर मिक्सी में पीस लेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा चीनी डालना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिठास पसंद है इसकी। अब तो मटर उतना मीठा नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें चीनी डाल दूंगी। दो मिनट, चीनी का डब्बा मेरे से दूर है, थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं हल्का सा इसमें चीनी डाल। हाँ, इसका गरम मसाला, इसका नमक फाइनल कब होगा जब आलू भी इसमें मिक्स हो जाएगा, तब हम एक बार इसकी सीजनिंग को चेक कर लेंगे क्योंकि ये अंदर भरा जाएगा। अगर नमक कम रह गया, गरम मसाला कम रह जाता है तो वो टेस्ट नहीं आता। तो देखिए इसको मैं बढ़िया से भून लेती हूँ, पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी पूरा सूख गया है और ये बढ़िया से भून चुका है। अब हम इसी स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद और इसको मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के बाद। तो मैं ये गैस बंद कर दूंगी। मैंने मटर को पीस लिया है, धीरे धीरे ही पीसना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर एक दो दाने रह जाते हैं बिना पीसे तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। ये काम बहुत ही पेशेंस के साथ करना होता है क्योंकि गर्म भी है, जली जली करना भी रहता है, तो थोड़ा ठंडा करके और बहुत ही केयरफुली इसको काम करना होता है। अब हमने इसमें ये मिला दिया और जो मैंने आलू को घिस के रखा था हम उसको भी मिला देंगे। ये देखिए इसको भी मिला देंगे। उसके बाद ये जो मैंने बारीक धनिया पत्ता काट के रखा हुआ है उसको भी मिला देंगे। और ये जो बचा हुआ है, थोड़ा सा भी शर्माइएगा मत कि हाथ लगाना पड़ेगा, ये सारा समेट के हम इसमें डाल देंगे क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है ये स्टफिंग को बनाने में। देखिए मैंने पूरा पोंछ के ये डाल दिया। अब उसके बाद हम इसको पूरा अच्छे से मिला देंगे। तब जब अच्छे से मिल जाएगा इसकी एक बार हम लोग सीजनिंग चेक करेंगे कि इस नमक कम है, क्योंकि हमने तो मटर के हिसाब से दिया था, अब इसमें आलू भी मिल गया है, धनिया पत्ता भी मिल गया है, तो हम एक बार इसकी सीजनिंग को चेक कर लेंगे नमक ज़्यादा है कि कम है, गरम मसाला कैसा है, क्योंकि ये चटपटा तीखा मटर आलू की पूरी तैयार हो रही है। पूरा मिक्स कर लिया है और इसकी मैंने सीजनिंग भी चेक की है, तो थोड़ा सा मुझे इसमें नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर से मिला दूंगी हल्का सा। देखिए और थोड़ा सा ही गरम मसाला, आधा चम्मच। और अब हम इस गैस को कर देंगे बंद क्योंकि देखिए इसमें एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो हमारा पूरन है अगर आपको लगता है गीला है तो इसको बढ़िया से सुखा लीजिए, क्योंकि अगर ये जरा सा भी इसमें पानी रहेगा तो ये पूरी बेलने में ये दिक्कत करेगा। देखिए ये तो मेरा पूरा सूखा हुआ है, फिर भी मैं 2-3 मिनट इसको आंच पे छोड़ दूंगी ताकि ये पूरा अच्छे से ये सूख जाए, एकदम सूखा सा ये हो जाएगा। और इसको हम लोई में तभी भरेंगे जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा, गरम में ये फट जाएगा। तो अगर आपका मिक्सचर अगर हल्का सा भी आपको ऐसा लगता है कि गीला है, इसको पूरा मध्यम आंच पे
मध्यम आंच पे भी नहीं कहूंगी मैं, पूरा एकदम कम पे इसको छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इसको चलाते रहे, ये तो ही अपने आप ही पूरा सूख जाएगा। देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, रिफाइंड डाल दिया है, ये मेरा मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम इसको भरेंगे, जब तक हम ये भरेंगे तब तक ये हमारा रिफाइंड गर्म हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि कैसे भरा जाता है। देखिए अब हम इसमें पहले हम लोई बना लेंगे, इसे मैंने मोयन नहीं डाला है। देखिए अब इसको अच्छे से हम ऐसे लोई करेंगे, हल्का सा इसमें ये टच कर देंगे और ये इस तरीके से बढ़िया से इसको इसका पेड़ा बनाएंगे। देखिए अब इसमें ऐसे डाल के बहुत ही पेशेंस के साथ इसको बनाना होता है। देखिए अगर स्टार्टिंग में एक तो बिगड़ भी जाता है तो उसे घबराइएगा मत, क्योंकि ये एक बार बनाने से नहीं सही आता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये देखिए इसको हमने ज़्यादा भी नहीं भरना है, हिसाब से भरना है जैसे हम आलू पराठा वगैरह भरते हैं। अब हम इसको ऐसे बहुत ही स्मार्टली हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे। देखिए हल्के हल्के हाथों से ही सारा काम करना है। अब हम इसको ऐसे करके, चाहे तो आप हाथ से भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको फैला दीजिए। और उधर मैंने देखिए थोड़ा सा आटा भी डाल के रखा हुआ है, लोई छोटी सी लाल हो जाएगा तो हमारा रिफाइंड गर्म हो जाएगा। देखिए इसको हल्के हल्के हाथ से भी हम दबा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से पतला वाला बेलन लेके, ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर के साथ, क्योंकि ये हमारे आलू मटर की पूरी बहुत ही नाजुक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, तब तक हमारा रिफाइंड अच्छे से गर्म होगा। हल्का सा ये इसमें, ये हल्का सा बस, क्योंकि मैंने इसमें मोयन नहीं डाला है। मोयन डाल देने से खस्ता तो होता है लेकिन वो फिर हैवी कर जाता है पेट में। अब हम इसको पहले ऐसे बेलेंगे, ये देखिए बेल लिया है मैंने अच्छे से। अब हम इसमें ये स्टफिंग भरेंगे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम चलेगा, बहुत नहीं चलेगा क्योंकि फिर ये फट जाएगा। इसको बहुत ही प्यार से ये देखिए ऐसे घुमाएंगे हल्के हल्के हाथ से, ये देखिए। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, अब धीरे से हल्के हाथ से इसको, ये देखिए प्रेशर नहीं डालना है कि हमारा ये लाल हो गया है। इसको हम अग्नि देवता को, अब हम धीरे से अपनी आलू मटर की पूरी डालेंगे। आंच मध्यम ही रखिएगा, धीरे धीरे इसको ऐसे देखिए हमारी बहुत ही सुंदर सी स्वादिष्ट आलू मटर की पूरी बनके हमारी तैयार है। इसको फुल आंच पे नहीं तलना है, तो ये अंदर से कच्चा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बलून जैसी उबली हुई हमारे आलू मटर की। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम मटर डालते हैं। देखिए, शीट डालते हैं।
हाथ से इसको ऐसे दबाएंगे, हल्के हाथ से इतनी डालेंगे स्किन पर और फिर बहुत ही स्मार्टली मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत बार बनाया है तब जाके ऐसा हुआ है। पेशेंस के साथ नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अब दोबारा से इसको ट्राई करेंगे और बहुत ही सावधानी के साथ रिफाइंड है इनको पलटना है। अब हम इसको साइड करके अब मैं इसकी आपको प्लेटिंग करके दिखाती। हमारी स्वादिष्ट आलू मटर की पूरी तैयार हो गई है धनिया पत्ता की चटनी के साथ, टमाटो सॉस, गुड़ और ये अचार। तो आइए एंजॉय करिए आप भी। यहाँ तो मैं आपको बुला नहीं पाऊंगी, तो अपने घर पे जरूर से बना के खाइए और मिस्टर मटर को एक प्यारी सी फेयरवेल दे दीजिए। और देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।